फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इन द लाइट ऑफ का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में इन द लाइट ऑफ का यूज कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। इन द लाइट ऑफ के साथ साथ कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन व्यू एंड टेक इन टू अकाउंट के बारे में भी हम जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी टॉपिक इंटरचेंजेबल हैं और इन सब का मतलब एक ही होता है, और वो है नजर में रखते हुए या ध्यान में रखकर। तो फ्रेंड्स, आइए देखें कि इन चारों टॉपिक्स को आप कैसे यूज करेंगे। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल है, अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए कुछ करो या अपनी औकात को नजर में रखते हुए कुछ करो। तो आप इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं कीपिंग योर स्टेटस इन माइंड डू एनीथिंग, या फिर आप कह सकते हैं कीपिंग योर स्टेटस इन व्यू डू एनीथिंग, या फिर आप कह सकते हैं टेकिंग योर स्टेटस इनटू अकाउंट डू एनीथिंग, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन द लाइट ऑफ योर स्टेटस डू एनीथिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा कि जब आपको कहना हो ध्यान में रखकर या नजर में रखकर, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इन चारों टॉपिक में से किसी का यूज कर सकते हैं। ये सभी इंटरचेंजेबल होती हैं और इन सभी का मीनिंग नजर में रखकर या ध्यान में रखकर होती है। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो महंगाई को ध्यान में रखकर तुम्हें पैसे खर्च करना चाहिए, या महंगाई को नजर में रखकर तुम्हें पैसे खर्च करना चाहिए, तो आप इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड यू शुड स्पेंड मनी, या फिर आप कह सकते हैं कीपिंग इन्फ्लेशन इन व्यू यू शुड स्पेंड मनी, या फिर आप कह सकते हैं टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट यू शुड स्पेंड मनी, या फिर आप कह सकते हैं इन द लाइट ऑफ इन्फ्लेशन यू शुड स्पेंड मनी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब आपको कहना हो किसी बात को ध्यान में रखकर या किसी बात को नजर में रखकर, तो आप इन चारों टॉपिक्स में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो उसकी बीमारी को नजर में रखकर लोगों ने उसे चंदा दिया, तो आप कहेंगे कीपिंग हिज इलनेस इन माइंड, या कीपिंग हिज इलनेस इन व्यू, या टेकिंग हिज इलनेस इनटू अकाउंट, या इन द लाइट ऑफ हिज इलनेस पीपल गेव डोनेशंस टू हिम, यानी उसकी बीमारी को नजर में रखकर ध्यान में रखकर लोगों ने उसे चंदा दिया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन व्यू, टेक इनटू अकाउंट और इन द लाइट ऑफ का यूज शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, टेक इनटू अकाउंट पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो देख चुके हैं और आपको ये बात पहले से पता है। फ्रेंड्स, अगर वाकई इस लेसन को आप शानदार तरीके से समझे, तो क्या आप इन चारों टॉपिक्स पर एक एक सेंटेंस लिख सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में इन चारों टॉपिक्स पर आप एक एक सेंटेंस जरूर लिखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।